अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पीछे हमने हाइड्रोलिक्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हम लिक्विड को यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर के लिए। लिक्विड को हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि वो लिक्विड को हम कैसे ट्रांसमिशन ऑफ पावर के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए टॉपिक आगे आता है हाइड्रोलिक प्रेस। उसके लिए टॉपिक आगे आता है आपका हाइड्रोलिक प्रेस आता है, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू अ लिक्विड टेक प्लेस इन हाइड्रोलिक प्रेस। यानी कि जो ट्रांसमिशन ऑफ पावर होती है, जो लिक्विड से ट्रांसमिशन ऑफ पावर होती है, वो किसकी वजह से होती है? ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू लिक्विड टेक प्लेस थ्रू हाइड्रोलिक प्रेस। अब हाइड्रोलिक प्रेस में क्या होता है, इसमें दो कंटेनर होते हैं। दो कंटेनर होंगे हमारे पास, जो कि एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। अब जो वाला बड़े वाला एरिया है, एक का यानी कि ऊपर जो बड़ा एरिया है और एक का छोटा है, हम इसके ऊपर पिस्टन लगा देते हैं। यहाँ पर हम इसे पिस्टन देते हैं, लगा देते हैं, जो कि हम यूज़ करेंगे फॉर द फॉर अप्लाइंग प्रेशर के लिए। तो इसके अंदर यहाँ पर तो वाटर होगा, यहाँ पर इसके अंदर वाटर आ गया, यहाँ पर ये इसके अंदर वाटर है। हमने हम कहते हैं कि जो ये वाला है पिस्टन, पिस्टन इसको हम कहते थे पिस्टन विद एरिया ए वन, पिस्टन विद एरिया ए वन। इसको हम कह देते हैं कि पिस्टन विद एरिया ए टू, विद एरिया ए टू। अब आप देखें कि इसका एरिया कितना है हमारे पास ए टू, और इसका कितना है हमारे पास, इसका एरिया हमारे पास ए वन है और इसका एरिया हमारे पास ए टू है। अब हम जब करेंगे कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर के लिए ये कैसे यूज होगा, या प्रेशर अप्लाई करने के लिए ये कैसे यूज होगा। अब हम जब ये पिस्टन है ये वाला, हम कहते हैं कि जो ए वन है, ये एरिया है जो हमारे पास ही, हमारे पास ये 2.1 मीटर स्केयर है, और जो ए टू है वो हमारे पास कितना है 1 मीटर स्केयर। हमने ये सपोज किया है कि जो ए वन है हमारे पास वो कितना है 0.1 मीटर स्केयर, और ए टू हमारे पास कितना है 1 मीटर स्केयर। अब जब हम पिस्टन विद एरिया ए वन वाला है, जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, वो फोर्स हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास 50 न्यूटन की फोर्स है, और वो हमने ए वन पर, पिस्टन विद एरिया ए वन के ऊपर हमने अप्लाई की है। अब आप देखें, जब हमने इसके ऊपर फोर्स को हमने अप्लाई किया है, तो जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले यहाँ पर, जो वाटर के काफ़ी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, जो वाटर है इन जगहों पर वाटर है, अब ये जो वाटर है ये यहाँ से कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, ये यहाँ से कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये नीचे आएगा, ये जो वाटर है यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से भी ऐसे, ये जाकर पिस्टन एरिया ए टू वाला जो पिस्टन है इसके ऊपर जाकर ये फोर्स को अप्लाई करेगा, इसके ऊपर यहाँ पर ये प्रेशर डिवेलप करेगा ए टू के ऊपर। अब हमने वो प्रेशर फाइंड करना है, उस प्रेशर को फाइंड करने के लिए हमें फोर्स का पता होना चाहिए और उसके साथ साथ हमें एरिया का पता होना चाहिए। अब हम पीछे, इससे पहले हमने प्रेशर का फॉर्मूला एक पढ़ा था, पी इज इक्वल टू एफ बाई ए, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। हम इसका पहले ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो हमने अब फाइंड करना क्या है, प्रेशर जो कहाँ लग रहा है, पिस्टन विद एरिया ए टू पर जाके। अब हमने फोर्स हमने कितनी लगाई थी, 50 न्यूटन लगाई थी फोर्स हमने, वो किस पे लगाई थी, पिस्टन विद एरिया ए वन, ए वन पे लगाई थी। पर हमने क्या सपोज किया हुआ है कि ए वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.1 मीटर स्केयर। अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, फोर्स भी हमने पुट कर दी, एरिया भी हमने पुट कर दिया। अब जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू 500 पास्कल। पास्कल ये हम पढ़ चुके हैं कि 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्केयर। यहाँ पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ पे एरिया का यूनिट क्या आ गया मीटर, जब ये ऊपर जाएगा तो पर मीटर स्केयर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई आपको? फिर इसे देख लें कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पीछे हमने हाइड्रोलिक्स में पढ़ा था कि हम लिक्विड को यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर के लिए। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि वो कैसे होता है, वो प्रोसेस कैसे होता है। पहले आता है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस में हम यूज़ करते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू अ लिक्विड, लिक्विड से जैसे ट्रांसमिशन ऑफ पावर होती है वो कैसे होती है। अब हाइड्रोलिक्स में क्या होता है, इसमें दो कंटेनर होते हैं, एक हमने कह लिया ये वाला और एक हमने ये कह लिया, वो दोनों जुड़े हुए हैं, इनके दरमियान क्या है में वाटर है, और एक ऊपर हमने इन दोनों के क्या लगाए हुए हैं, पिस्टन लगाए हुए हैं। इसको हमने कह दिया एरिया, पिस्टन विद एरिया ए वन, उसको हमने कहा कि पिस्टन विद एरिया ए टू। अब हमने सपोज किया कि जो पिस्टन विद एरिया ए वन है उसका एरिया कितना है 0.1 मीटर स्केयर, पिस्टन विद एरिया ए टू है उससे हमने कहा कि 1 मीटर स्केयर है, वो कितना है
1 मीटर स्केयर हमने सिखा के वो एरिया 1 मीटर स्केयर है। फिर हमने क्वेश्चन में देखा कि A1 पर हमने अप्लाई करनी है फोर्स, उसके ऊपर हमने सपोज किया कि हमने 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है, उसके ऊपर हमने 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है। अब जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से होते हुए पिस्टन ने देखा A2 के ऊपर जाके फोर्स को एग्जर्ट करेंगे, उसके ऊपर एक प्रेशर जनरेट करेंगे। अब हमें इस प्रेशर को फाइंड करना है, जो प्रेशर यहाँ पर आया है हमने उसको फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर फोर्स कहाँ पर अप्लाई, प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या, पी इज इक्वल टू आर बाय ए। अब हमारे पास फोर्स को पता होना चाहिए, हमें एरिया का पता होना चाहिए इसको निकालने के लिए। अब हमने शुरू में फोर्स कितनी लगाई थी, 50 न्यूटन, हम फोर्स की जगह 50 न्यूटन पुट करेंगे। और हमें लगाई किस पिस्टन पर थी, A1 पर, उसकी जगह हमने A1 का एरिया लिखा, वो कितना है 0.1 मीटर स्क्वायर। और हमने दोनों को डिवाइड किया है तो क्या आ गया हमारे पास 500 पास्कल हमारे पास आंसर आ गया। तो इससे हमें क्या पता होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर यानी कि वो कितना है हमारे पास 500 पास्कल इज ऑब्टेंड विद एन एप्लीकेशन ऑफ मच लार्ज बट स्मॉलर फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। यानी कि वो हमें कहाँ से मिला है, इतनी स्मॉल फोर्स है हमारे पास वो कितनी है 50 न्यूटन। तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर कहाँ से मिला है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स है वो कितनी है हमारे पास, फोर्स कितनी है 50 न्यूटन हमारे पास वो फोर्स है। अब जो प्रेशर जनरेट हुआ है एक पर चला जाएगा, दूसरे पिस्टन पर चला जाएगा, जहाँ पर ये ज्यादा यूज डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज होगा। अब आगे इसकी एक एग्जाम्पल आप देख लें, जो ब्रेक होती है जो कि हम ड्राइवर गाड़ी की ब्रेक लगाता है, वो जब हम कह लेते हैं कि ये उसकी एक ये ब्रेक है, ये एक ब्रेक है और ये आगे कनेक्ट है फ्यूल के साथ, यहाँ पर ये फ्यूल है, यहाँ पर ये फ्यूल है, इतना फ्यूल हो गया, या ऑयल जो पेट्रोल होता है वो कहने से यहाँ तक वो आ गया और ये आगे कनेक्ट है मजीद किसी, ये जो इंजन है ये इनके साथ कनेक्ट है। हमने इसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आप देखिए जब ड्राइवर ने यहाँ से ब्रेक लगाई, इसे प्रेस किया, इस चीज़ को उसने प्रेस किया, तो यहाँ पर जो एयर थी इसके ऊपर उसने फ्यूल के ऊपर जाके एक प्रेशर जनरेट किया, एक प्रेशर एक्सर्ट किया फ्यूल के ऊपर। अब उस फ्यूल ने क्या किया है, वो फ्यूल आगे जो उसके साथ इंजन अटैच है वो उन इंजन के ऊपर लगाता है प्रेशर। अब जब उनके ऊपर लगता है यानी इंजन रुक जाते हैं। अब ये इंजन रुकते क्यों नहीं, क्योंकि विकास के दरमियान जो एक फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से ये फ्रिक्शन रुक जाते हैं, ये इंजन आपस में रुक जाते हैं, वर्किंग करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक लग जाती है। आगे हमारा टॉपिक है वाटर प्रेशर, क्या टॉपिक है हमारा, वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर हमारा अभी टॉपिक है। अब ये क्या है कि व्हेन अ वाटर फ्लोट ऑफ टैप द ग्रेटेस्ट क्यूबिकल से दैट प्रेशर ऑफ वाटर इज हाई, यानी कि जब किसी भी जगह से जो वाटर है वो निकलता है, वाटर निकलता है विद हाई स्पीड के साथ, हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वहां पर वो क्या है, हाई है। यानी कि जब स्पीड जब वाटर बाहर आता है यानी कि विद हाई स्पीड के साथ वाटर बाहर आता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर क्या है हाई है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, अगर हमारे पास ये एक हम कह रहे हैं कि वाटर से फिल एक कंटेनर है, हम करेंगे अगर हम इसमें यहाँ पर एक सुराख कर दें, एक यहाँ पर कर दें, एक यहाँ पर कर दें, अब क्या होगा, इसके अंदर तो वाटर है था और इसके अंदर ये फुली वाटर से ये फिल है, ये वाटर से फिल है इस तरह से। जब हम इसे यहाँ से सुराख कर देंगे, वाटर यहाँ से निकलना शुरू करेगा, वाटर इस तरह से निकलेगा, इस तरह से यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर, ये इस तरह से आएगा। यानी कि यहाँ से वाटर जब उसकी स्पीड यहाँ पर वाटर की ज़्यादा थी तो प्रेशर ज़्यादा लगा, इसकी वजह से वो ज़्यादा दूर तक जा रहा है। यहाँ पर इसकी स्पीड कम थी तो वाटर थोड़ा कम आगे जा रहा है, यहाँ पर इसकी स्पीड बिल्कुल उससे कम थी इसकी वजह से उसने बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में डिस्टेंस तय किया है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब वाटर हाई स्पीड से निकलता है तो प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब हम यहाँ पर देखें ये जो होता है, यहाँ पर इसने वाटर ज़्यादा तेज से निकला जिसकी वजह से इसका प्रेशर ज़्यादा था, वो आगे जाके गिरा है, और यहाँ पर वो कम स्पीड से गिरा है और फिर वो उसकी स्पीड कम थी उसकी वजह से वो पास आके थोड़ा गिरा है। यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।